अंदर मक्का मुकरमा के अंदर बताया कि तुम्हारे दोस्त पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर मार रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन गए, जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे किया और काफिरों ने गुस्से की वजह से इनको पकड़ लिया और इतना मारा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए और मरने के करीब हो गए। जब काफिरों को ये वहम हुआ कि और मारा तो ये कहीं मर ना जाएं, तो फिर काफिरों ने जाकर छोड़ा। और फिर जब काफ़ी देर बेहोश रहे और काफ़ी देर के बाद जब होश आया तो वालिदा ने कुछ खाने पीने के लिए पेश किया, क्या मेरे बेटे आज तुझ पर बड़ा तशद्दुद किया गया है, बड़ा जुल्म किया गया है, कुछ खा पी लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊं पीऊँगा जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मेरे महबूब का क्या हाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जब मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लूँगा, उनको अपनी नज़रों से उनका दीदार कर लूँगा, तब मुझे जाकर सुकून आएगा। जब तक मैं हुजूर का दीदार नहीं कर लेता उस वक़्त तक मैं कुछ खाऊँ पीऊँगा नहीं। तो मालूम किया तो वालिदा ने फिर मालूम किया तो हुजूर दारे अरकम के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पर जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और फिर सुकून और इत्मीनान हासिल किया कि हुजूर खैरियत से हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान अपना सब कुछ पेश करने के लिए कुर्बान कहते थे। जिस तरह हिजरत के सफ़र के अंदर इसका मुजाहिरा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हैं और गार के अंदर अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अगर एक सुराख खाली था सांप के बिल का, पता नहीं था कि इसमें सांप है या क्या है, ख़तरा तो था, एक सुराख खाली था, तो उसके ऊपर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी ताकि कोई मूजी चीज़ निकल कर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डस न ले। तो वहाँ पर भी अपनी कोई परवाह नहीं है, वहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही परवाह है। और उनकी बेटी हज़रत असमा, उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत फरमाई कि हज़रत असमा जो उनकी बेटी छोटी बच्ची हैं, उनको जब खाना देने के लिए गई गारे सौर के अंदर इतनी ऊंचाई के ऊपर, जब खाना देकर वापस आई तो अबू जहल ने पूछा कि असमा बता कि तेरे अब्बा और उनके साथी किधर हैं। हज़रत असमा ने फरमाया कि मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। अबू जहल ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा, हज़रत असमा पत्थर पर गिरी और चेहरा ज़ख्मी हो गया। फरमाया कि अबू जहल, मैं भी अबू बकर की बेटी हूँ, अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन मैं हुजूर का पता नहीं बता सकती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कदर मोहब्बत फरमाई और अपने घराने वालों को, अपने घर वालों को इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखलाई। और जब सूरज तुलू होता है तो जो इमारत सबसे ऊंची होती है तो सूरज की किरणें सबसे पहले उस इमारत पर पड़ती हैं। तो जब नबुव्वत का सूरज भी तुलू हुआ तो इस उम्मत के अंदर सबसे बुलंद मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, तो नबुव्वत के सूरज की किरणें भी सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ और नबुव्वत के अनवारात, नबुव्वत की बरकतें सारे सहाबा से ज़्यादा हासिल की हैं।